करते कि कीर्तन दे सब गोस्वामी सर गुरलीन कौर, आज स्कूल खुले हैं, आप स्कूल में आए, कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, काफी देर बाद आ रहे हैं स्कूल, तो वैसे भी यहाँ पर सब टीचर्स फ्रेंड्स ऑनलाइन, फिर थोड़ा प्रॉब्लम भी आ जाता है नेट इशू वगैरह, लेकिन अब मैम भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी उन्होंने हमें समझाया पेपर पैटर्न वगैरह, और मैम काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। बाकी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और बाकी सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, साथ में यहाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह भी हो गई होगी, एंड हमने भी सैनिटाइजर्स और मास्क वगैरह लगाए हैं, तो हम वो आ सकते हैं स्कूल। हम सब इस गवर्नमेंट के डिसीजन से बहुत खुश हैं कि गवर्नमेंट ने ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है फॉर 9th से लेकर 12th क्लास तक जो आज उन्होंने स्कूल खोले हैं, क्योंकि ये क्लासेज जो होती हैं ये किसी भी बच्चे की लाइफ के लिए बड़ी क्रूशियल क्लासेज हैं, उसकी लाइफ को एक डायरेक्शन देने के लिए ये क्लासेज चलती हैं। तो बड़ी देर से पहले डाउट क्लियरेंस क्लास चल रही थी, उसमें बच्चे आ रहे थे काफ़ी, पर आज से जो रेगुलर क्लास है उसको टीचर वेलकम कर रहा है, और हमें बड़ी खुशी है कि आज हम बच्चों का जो वेलकम कर रहे हैं, अगर आप देखें तो उनके जो टीचर हैं वो तिलक लगा के वेलकम कर रहे हैं, उन्होंने रंगोली बना के बच्चों का वेलकम किया है, जैसे हमारे लिए ये आज एक फेस्टिवल है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक दफ़ा फिर टीचर कम्युनिटी की तरफ से मैं ये एक अपील करना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि जैसे बच्चे को वो मॉल्स में भेज रहे हैं, बाकी जगहों पर भेज रहे हैं, वो स्कूल में भेजें, स्कूल में वो सारी SOPs फॉलो की जा रही हैं जो एक बच्चे की सेफ्टी के लिए बेटर है। तो मैं एक दफ़ा फिर पूरी टीचर कम्युनिटी की तरफ से गवर्नमेंट का और अपने सोसाइटी का थैंक्स करता हूँ, ख़ासतौर पर ऐसे पेरेंट्स का जिन्होंने अपने बच्चों को आज स्कूल भेजा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।